हाय गाइस, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज आपको एक और अनोखे स्थान पर ले जाने वाले हैं, जो कि मध्य प्रदेश से ही है, रीवा ज़िले से सिरमौर के पास है। जब हम टोंस वाटरफॉल जाते हैं तो वहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर है ये स्थान, जो कि घिनौची धाम के नाम से प्रसिद्ध है। रास्ता देख रहे होंगे कितना ज़्यादा उबड़ खाबड़ है, पत्थरों से भरा रास्ता है और जंगलों के बीच से हमें जाना है। और वहाँ पहुँचेंगे, दिखाएंगे वहाँ का खूबसूरत नज़ारा, जो कि बेहद खूबसूरत होने वाला है। रास्ता बहुत ज़्यादा अल्टीमेट है, रास्ते ख़राब हैं, पत्थरों से पूरी तरीके से भरा है। तो देखिए आगे क्या होता है और पहुँचेंगे वहाँ का नज़ारा आपको दिखाएंगे। तो आप भी यहाँ आ सकते हैं घूमने, जब भी टूर प्लान बनाए टोंस वाटरफॉल आने का तो यहाँ पर ज़रूर आएँ। बहुत अच्छा प्लेस है ये पावन धाम घिनौची, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है और वहाँ पे ऊपर पहाड़ी से पानी गिरता है जो कि शिवलिंग के ऊपर जाता है। तो हमने अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्किंग में लगा दी है और आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको। ये है पार्किंग एरिया पूरा और यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जिसमें पैदल यात्रियों के लिए 10 रुपये चार्ज है और हल्के वाहनों के लिए 100 रुपये। तो अगर आप 4-व्हीलर से आते हैं तो आपको 100 रुपये चार्ज देना होगा। घिनौची धाम जाना है, 100 रुपये लगेंगे किराया। 100 रुपये? हाँ। किसके किसके? चाहे आप सिंगल हो, चाहे गाड़ी से आओ, चाहे जैसे आओ, आपके 100 रुपये लगेंगे। घूस ले रहे हो क्या? नहीं, ये यहाँ पे सरकार का नियम है 100 रुपये। हाँ, तो पर रसीद चाहिए हमको। हाँ ठीक है, रसीद दे देंगे भैया। पर्ची कटा के जाओ, ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं। रसीद लेके आओ, पीछे पीछे पैसा लेना है तो। हाय गाइस, तो अब हम घिनौची धाम पहुंच चुके हैं और यहाँ भी जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी केवल एक ही गाड़ी दिखेगी, बाकी सब सुनसान है। तो दिखाते हैं यहाँ पर और यहाँ का नज़ारा और चलते हैं पवन घिनौची धाम। तो ये है घिनौची धाम का रास्ता। तो जैसे टोंस वाटरफॉल का रास्ता था, वैसे भी ये भी रास्ता है। तो नीचे यहाँ भी जाना है और यहाँ भी बहुत सारी स्टेयर्स मतलब सीढ़ियाँ हैं। तो ले चलेंगे आपको, दिखाएंगे यहाँ का बेहद और खूबसूरत नज़ारा पावन धाम घिनौची का। और ये देखो, एक लुक्खा है जो दौड़ रहा है और इसको नहीं पता है कि यहाँ शेर चीता आ गए हैं और कोई खा लिया ना तो फिर हमको बुलाएंगे कि आओ बचाओ। और चारों तरफ आप देखिए, यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है ताकि कोई जानवर ना आ पाए। इधर भी बैरिकेडिंग की गई है और उस साइड भी बैरिकेडिंग की गई है और इसको रास्ता बनाया गया है जिससे आप जा सकते हैं नीचे। तो चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ये ही नहीं यार, तो देखते रहिए यहाँ का पूरा नज़ारा। और रास्ता कुछ ऐसा ही है, उबड़ खाबड़ पत्थरों से भरा रास्ता है। तो नीचे अब ढलान है और चलो दिखाते हैं नज़ारा यहाँ का। फिलहाल आज यहाँ पर कोई नहीं है, हमें चार को छोड़कर इस पूरे रास्ते में कोई नहीं दिख रहा है। जिस तरह से ये नज़ारा दिख रहा है, ऐसा लगता है यहाँ कहीं जानवर भी होंगे, जो कि जंगली जानवर हो सकते हैं, सांप बिच्छू भी हो सकते हैं। और खुर खुर की आवाज़ आ रही है चारों तरफ से, तो इससे लग रहा है कि जानवर हैं। ये पेड़ देखिए, यहाँ पे कुछ इसमें फल लगा हुआ है। और नीचे घिनौची धाम का रास्ता है, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है यहाँ का। दिखाएंगे यहाँ भैया, हम कुछ नहीं जानते। ये है घिनौची धाम के विधायक, सारा रोडवा यही खराब करवाए हैं, अकेलो यहाँ पे भाई बह गया पूरा रोड, पैसा पूरा खाया। यही है विधायक यहाँ, इतना इतना पैसा आता है, सब पेल डाल रहे हो। देखो यही पेल डाल रहे हैं, देखो सोने की जंजीर पहन के। सरकार के पास निधि है ही नहीं है, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग अभी दो साल कोरोना से जूझ रहे हैं। एक साल पहले आए रहे तब वही रोड रहा, आज यही है। तुम लोग पेल के बैठ गए हो, सबसे हम लोग कोरोना को झेल रहे हैं। आप कोरोना का झेल रहे, कोरोना तुमको झेल रहा है, सारा पैसा खा गए हो। तो आगे कुछ इस तरह से रास्ता है, रास्ता पक्का बना हुआ है और दोनों तरफ सीढ़ी बनाई गई है। और अब देखिए कितना अच्छा व्यू है और आगे वो पहाड़ी दिखाई दे रही है, चारों तरफ पहाड़ है और जंगल है।
और इस समय कोई है नहीं, हम ही चार लोग टहल रहे हैं, यहाँ पे घूमने आए हैं। और चारों तरफ आपको चट्टाने दिखाई देंगी जो बेहद खूबसूरत है, बहुत अच्छा प्लेस है ये घिनौची धाम। तो यहाँ पे ज़रूर आएँ, यहाँ का टूर प्लान अपने टूर प्लान में ज़रूर शामिल करें। तो आइए दिखाते हैं आपको और बेहद खूबसूरत नज़ारे यहाँ पर। तो कुछ इस तरह से जंगलों के बीच में नीचे पहाड़ी के नीचे बना है ये स्थान। तो हमारे साथ चार लोग हैं और हम चल रहे हैं और दिखाएंगे आपको नीचे का नज़ारा कैसा है, कुछ खास है क्या है यहाँ पे। तो बहुत ही बेहतरीन टूर होने वाला है ये। तो ये है ऊपर से नज़ारा जो कि नीचे की तरफ है, तो अकेले बिल्कुल जाने लायक नहीं है। और आज कोई भी टूरिस्ट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, पूरी तरीके से सूना है ये एरिया। नहीं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है आम दिनों में जब भी, क्योंकि यहाँ पे वाटरफॉल भी चलता है तो नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। बारिश के बाद तो ये स्थान बहुत ही बेहतरीन लगता है क्योंकि चारों तरफ ग्रीनरी हो जाती है और पहाड़ और ग्रीनरी बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट नज़ारे हो जाते हैं। तो यात्रियों के विश्राम के लिए यहाँ पे कुछ स्पॉट बनाए गए हैं ताकि अगर आपको थकान लगती है तो आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, कुछ देर आराम कर सकते हैं, उसके बाद फिर से आगे जा सकते हैं। तो देखिए डस्टबिन है लेकिन लोगों ने यहाँ पे उसे तोड़ दिया है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ की जो सुविधाएँ हैं वो हम ही लोगों के लिए हैं, लेकिन कुछ शरारती लोग हैं जो ऐसे तोड़ फोड़ करते रहते हैं और सरकारी चीज़ों को तोड़ते रहते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। तो देखिए नीचे बहुत तेज़ी से ढलान है और नीचे की ओर सीढ़ी जा रही है। तो हम बहुत जल्द पावन धाम घिनौची पहुंचने वाले हैं और वहां का नज़ारा दिखाएंगे क्या कुछ खास है इस समय, क्योंकि अभी बारिश का मौसम तो है नहीं, तो क्या वाटरफॉल चल रहा है पहुँचने के बाद ही पता चलेगा। तो फिलहाल आवाज़ हमें तो नहीं सुनाई दे रही है पानी की, क्योंकि जब वाटरफॉल चलता है तो उसकी आवाज़ काफ़ी दूर से ही सुनाई देती है। तो पहुंचने वाले हैं और दिखाएंगे कि वाटरफॉल है कि नहीं, इस समय आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो देख करके तो यही लग रहा है कि वाटरफॉल नहीं चल रहा है, पानी नहीं है। अभी पिछले महीने महाशिवरात्रि का त्यौहार था, तो देखिए यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठा होते हैं और अभी देखिए कितना ज़्यादा नारियल तोड़ा गया यहाँ पे जो कि दिखाई दे रहा है। और यहाँ आके निराशा हाथ लगी है क्योंकि 100 रुपये चार्ज भी चले गए और इतना दूर हम लोग गर्मी में पैदल आए और वाटरफॉल देखने को नहीं मिला। लेकिन ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी रिसता हुआ हमें दिख रहा है, वाटरफॉल के नाम पर बस इतना ही आपको दिखेगा अगर आप इस समय आते हैं। तो कुछ ऐसा था यहाँ का टूर प्लान, अभी तो आना बिल्कुल बेकार है, तो इस समय आप बिल्कुल भी ना आएँ अगर आपको वाटरफॉल देखना है तो, क्योंकि ये स्थान बिना वाटरफॉल के कुछ भी नहीं है, यहाँ आना बेकार ही जाएगा आपका। तो कुछ ऐसा था यहाँ का टूर, पहले तो उत्साह बहुत अच्छा था कि हम लोगों को वाटरफॉल देखने को मिलेगा, लेकिन अब वाटरफॉल नहीं चल रहा है तो क्या किया जाए। फिलहाल लेते हैं यहाँ पे कुछ शॉट्स और चारों तरफ आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, उसके बाद फिर चलेंगे यहाँ से क्योंकि यहाँ तो आना बिल्कुल भी अब जायज़ नहीं है। तो आप भी यहाँ पे बिल्कुल मत आइए, जब बारिश हो जाए तो उसके बाद ही आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो अब अप्रैल मई जून ये 3 महीने तो आप बिल्कुल भी यहाँ मत आइए, और जब भी आपको आना है तो जुलाई के बाद आइए, जुलाई से लेकर नवंबर तक यहाँ पर वाटरफॉल चलता रहता है। एक और वीडियो दिखाएंगे क्योंकि मैं यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ, तो उस समय क्या नज़ारा होता है आप एक बार ज़रूर देखिए। तो ये उस समय की वीडियो है जब मैं एक बार यहाँ पे आया था घिनौची धाम, उस समय का नज़ारा और इस समय के नज़ारे में बहुत ज़्यादा अंतर है। आप वीडियो में देख रहे होंगे कि अब देखिए वाटरफॉल आगे आपको दिखाने वाले हैं, यहाँ पर देखिए सीढ़ियों पर पानी आपको यहीं से दिखाई दे रहा है जो कि पिछली वीडियो में या कह सकते हैं कुछ सेकंड पहले वाली वीडियो में आपको नहीं दिखेगा। तो ये एकदम नज़ारा अल्टीमेट होने वाला है, और देखिए वो वाटरफॉल दिख रहा है हमको, चारों तरफ अब पानी आपको दिखेंगे। तो जब आप बारिश के सीज़न में आएंगे या फिर बारिश के बाद आएंगे तो कुछ इस तरीके का आपको नज़ारा दिखेगा जो कि हमें इस समय नहीं देखने को मिला था। तो ये है वो अल्टीमेट नज़ारा जब आप बारिश के सीज़न के बाद आएंगे, और ये है कितना ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये झरना
जब पानी ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, और यहीं पे शिवलिंग है जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, और ये पानी ऊपर से नीचे की ओर सीधा शिवलिंग पर गिरता है जो कि पावन धाम घिनौची के नाम से प्रसिद्ध है। तो ऐसा था चारों तरफ का नज़ारा जो कि उस समय का था। तो मेरे पास वीडियो थी, हमने आपको दिखा दिया है। तो जब भी आप आएँ, तो बारिश के सीज़न के बाद ही आएँ, तो ज़्यादा आपको मज़ा आएगा, और यहाँ पे आपको भीड़ भी हमेशा देखने को मिलेगी। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो एक लाइक ज़रूर करें। फिर मिलेंगे किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।